कैसे हो आप सब दोस्तों। सिंघम अगेन को लेके एक खबर आई है कि ऐसे एक से दो अच्छे खासे सीन्स है इस फिल्म में, जहाँ पे अक्षय और अजय वाला एंगल आता है। और क्योंकि अक्षय सर एक्सटेंडेड कैमियो है और अजय सर तो मेन रोल में है, मेन लीड में, तो सुना है और आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था, इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि रोहित शेट्टी ने बहुत ही तगड़ा तैयारी करी है इसके एक्शन को लेके हॉलीवुड। मुझे अभी नाम याद नहीं क्योंकि वो आर्टिकल में भी ऐसा क्वेश्चन मार्क था, मतलब वो श्योर है या नहीं पता नहीं, लेकिन हॉलीवुड की तरफ से ही अच्छा खासा है, उन लोगों ने एक्शन सीक्वेंस की तैयारी करी है। दो तीन अक्षय सर और अजय सर के अच्छे खासे सीन्स है लेकिन एक्शन के, लेकिन अजय सर के ज़्यादा एक्शन सीक्वेंसेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। ही इज़ वेरी एंग्री कॉप हैज़ कम्पेयर टू पार्ट वन एंड पार्ट टू। अगर आपने पोस्टर भी देखा होगा, ही इज़ नॉट दैट मच, मतलब देखो बाजीराव सिंघम इस बार अगर आप ध्यान से देखोगे वो पोस्टर, वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा है। उस पोस्टर में भी आपने देखा ही था कि और मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन खोला हुआ शेर या फिर एकदम गुस्से वाला शेर, वो इस टाइप का एक पोस्टर हमने, जो शुरुआत का पोस्टर था। तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि बहुत तगड़ा एक मिशन है जो देश के अगेंस्ट बहुत सी ताकतें आती है और ये बंदे को मिल जाती है इतनी बड़ी जिम्मेदारी। ये मत भूलो, एक शिवगढ़ से आया हुआ बंदा, अगर आप सिंघम कैरेक्टर को देखोगे तो वो बहुत बड़ा नहीं है कॉप एक टाइम पे, वो एक गांव से आया हुआ बंदा। हालांकि बाद में पार्ट टू में सिंघम रिटर्न्स में वो अच्छा अपने आप को उन्होंने थोड़ा बड़ा होते हुए दिखाया है, अच्छी बात है। लेकिन अब टेरर लेवल जिस तरीके से बढ़ी है उस टाइप का वो काम कर रहे हैं, मतलब इट्स लाइक कि आप ये समझ सकते हो गहराई की फ़िल्म कितनी डीप है, फिल्म के विलन्स कितने डेंजरस है, खौफनाक आपको देखने को मिलने वाले हैं। और ऊपर से दो से तीन अजय सर के बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस एंड स्टंट्स है, मतलब आप ये मान के चलो कि आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप के आपको एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलने वाली है। मतलब यू कैन एक्सपेक्ट दैट कि सिंघम कोई सिर्फ डायलॉग्स वाली फिल्म नहीं है इस बार, कि मतलब हाँ ऑब्वियसली इट्स ये तो भाई उसमें ब्रांड है आता माझी सटकली एंड ऑल वो डायलॉग्स, बट यहाँ पे सुना है कि सॉन्ग्स पे भी ध्यान दिया है ज़्यादा, एंड स्पेशली क्योंकि वो ओजी कॉप है, ये देखने के लिए उसका जो एक तरीके से लोगों का नज़रिया है कि भाई वो कॉप यूनिवर्स का बॉस है, तो उसका भी लेवल उन लोगों ने बढ़ाया है ऐसा सुना है। आज दो से तीन आर्टिकल पढ़े थे मैंने और उसमें इनफैक्ट मैं अभी भी थोड़ा बहुत बता के ही हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो बजट है वो अच्छा खासा एक्शन में भी हुआ है। अभी एट प्रेजेंट 200 करोड़ बजट इस फिल्म का बोला जा रहा है। नो वरीज, बजट का टेंशन ना लो, ये फिल्म भाई फाड़ देगी भाई बॉक्स ऑफिस। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताइए, क्या भूल भुलैया क्या असर होगा इस पर।